अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आपका भाई कामरान आज आपके सामने है। वीडियो को अगर गौर से देख लेंगे तो 2 महीना से जिनका सिलेक्शन नहीं हो रहा था, शायद उनका अब हो जाए। जो मैं बातें बताऊंगा गौर से सुने। आज मैं रिक्वेस्ट करूंगा, वैसे मैं करता नहीं हूं, अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर जाएं, और अगर पुराने हैं तो लाइक कर दें, और सब्सक्राइब तो किए हुए होंगे अगर पुराने हैं तो। दोस्तों, जॉब बे इंतहा पड़ी हुई है, लेकिन हम लोग घर से ट्राई करते हैं। घर से ट्राई करेंगे तो कभी कुछ नहीं हो पाएगा। एक बात बता दूं, मैं आपको जॉब के बारे में बता दूंगा। हेल्पर कैटेगरी के, कुकिंग के जो हैं, या जो वेटर में आना चाहते हैं, या जो आपका रूम बॉय में आना चाहते हैं, बेइंतहा है पड़ी हुई वैकेंसी। मैं आपको बता दूं, आप टेंशन ना रहे, रमजान में भी होगी वैकेंसी। जो बातें मैं आपको बता रहा हूँ बस गौर से सुनने। वीडियो मुकम्मल जो होगा 4 से 5 मिनट का होगा, उससे बड़ा नहीं होगा, 6 मिनट हो सकता है। दोस्तों, ये जो दौर है वो तरक्की याफ्ता माहौल है, ये आप जान ही रहे। हर एक बंदे को एक दूसरे से आगे निकलना है इस रेस में। हमको एक दूसरे से आगे, हम भी ये चाहते हैं कि हम उनसे आगे चल जाए, वो चाहता है कि हम कामरान से आगे जाएं, वो चाहता है कि वो उनसे आगे जाए। मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, ठीक है। हर कोई चाहता है कि एक दूसरे से आगे जाने के लिए। आप घर पे बैठे बैठे ट्राई करोगे, आपका कभी सिलेक्शन नहीं होगा। जो डायरेक्ट सिलेक्शन होता है ना, उसमें भी आपको ऑफिस आनी पड़ती है, आपको अपना फेस दिखाना पड़ता है, आपको अपना वीडियो बनाना पड़ता है, सेल्फ इंट्रोडक्शन देनी पड़ती है। उसके बाद आपका पूरा डॉक्यूमेंट जाता है एचआर के पास, वो देखते हैं, समझते हैं, तब सेलेक्ट होते हैं। एक बंदे ने मुझे फोन रूम पे सोए सोए बेड पे वीडियो बनाकर भेज दिया। वो सैंडो गंजी पहने हुए हैं, और उनका बोले, लो भाई हमारा वीडियो भेज दो। मेरे दोस्त, ऐसे नहीं होता है। अगर हम आपके लिए मेहनत करें तो आप भी जाएं और मेहनत करें। मैं आपसे मुसलसल 2 महीने से आपके सामने हूँ, ठीक है। अगर ये 2 महीने से आप पुख्ता तैयारी कर लेते ना, तो आज आपका कहीं ना कहीं सिलेक्शन हो जाता। तो अभी मैं जो बताने वाला हूँ, ये 7 और 8 तारीख को, मैं हमेशा 2-4 दिन पहले का ही वैकेंसी अपडेट देता हूँ। बहुत कम ही होता है जो अर्जेंट में होता है जिसका अपडेट देता हूँ। ये 7 और 8 तारीख का है। अभी से लेकर 7-8 तारीख में कितने टाइम है? बहुत टाइम है ना। देखिए, ये कॉम्पिटिशन का मार्केट है दोस्तों। अगर जहाँ पे वैकेंसी 20 बंदे की है, कंपटीशन में वहाँ पे इंटरव्यू देने के लिए 100 बंदे गए, तो आप भी जाइए। आप ये देखकर मत घबराइए कि हमारा नहीं होगा, हमसे तो अच्छे अच्छे बंदे, शायद आपका वहाँ पे हो जाए, शायद हो जाए वहाँ पे। मेरे से पहले 9 बजे से 6 बजे से लोग इंटरव्यू में बैठे हुए थे, लेकिन मैंने 4 बजे अपने घर से इंटरव्यू देने के लिए निकला था, और मैं 2 मिनट से 3 मिनट के अंदर में हमारा सिलेक्शन हो गया था। फॉर्म वगैरह सब कुछ मैं फोन पे ही भरवा लिया था। जी हाँ, मैं गया क्लाइंट के सामने इंटरव्यू फेस किया, खलास। 5 मिनट के अंदर में वहां से जो होटल होता है, होटल इवेंट से मैं निकल भी गया था, और शमशाद भाई मेरे साथ थे। शमशाद भाई ने मुझे फोन किया था कि आओ, इंटरव्यू चल रहा है। मैंने 3 बजे या 4 बजे मैं घर से निकला था इंटरव्यू देने के लिए, 5 बजे मैं होटल इवेंट से भी निकल गया इंटरव्यू देने के लिए देकर। तो अपने आप को प्रिपेयर करें, रेडी करें, समझ रहे ना। तो जो यूपी वाले हैं, मैं उनका भी जुगाड़ लगा दिया हूँ, मैं नंबर दे दूंगा, आप लोग बात कर लें, लेकिन मुझे मत कहेंगे, ठीक है। क्योंकि आप लोग कह रहे थे कामरान भाई यूपी वालों के लिए आप नहीं कुछ बताते, तो मैं नंबर दे दूंगा उनका, आप उनसे बात करें, उनके पास वैकेंसी मौजूद होती है। कोलकाता, झारखंड, बिहार के जो लोग हैं वो जाएं, मेरे मामा से मिलें, बैठें, बातें करें। अगर आपको नहीं समझ में आता ना, पासपोर्ट लेकर जाएं, कोई भी इंटरव्यू फेस करें। अगर आप इंटरव्यू फेस करते रहेंगे ना, 2, 4, 5, 10 बार फेस करते रहेंगे, तो 11वें बार में आपका सिलेक्शन हो जाएगा। एक बंदा ना इसी तरह सिलेक्शन हुआ ना, महबूब नाम का, जो मैंने वीडियो शेयर किया था। अब मैं आपको बता देता हूँ वैकेंसी के बारे में। देखिए, हेल्पर कैटेगरी का जो वैकेंसी है ना, 80 KD, 90 KD, 1000 सैलरी, ये रमजान में भी अवेलेबल रहेगा, लेकिन आप लोगों को ऑफिस में जाकर ट्राई करना पड़ेगा। तो अब मैं आपको बता देता हूँ वैकेंसी के बारे में, ठीक है। कैंप बॉस, नाइट कुक, अरेबिक कुक, असिस्टेंट कुक, इंडियन कुक, बेकरी मैन, लॉन्ड्री मैन, वेटर, और फूड सर्वर, किचन हेल्पर, डिशवाशर, रूम बॉय। अब इसमें से 2-3 कैटेगरी ऐसी है जिसकी वीडियो आपने देख रखा है। डिशवाशर के क्या काम होती है वो मैंने दिखा दिया, किचन हेल्पर के क्या काम होती है वो भी मैंने दिखा दिया, लॉन्ड्री मैन का काम मैं आपको दिखा दूंगा इंशाल्लाह, अगर कहीं मैं गया कोई दुकान पे, तो रूम बॉय का काम भी आपको पता है दोस्तों। तो जब तक आप और हम सब ट्राई नहीं करेंगे, कुछ नहीं होगा। मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अपना नंबर शेयर करता हूँ, लेकिन अब मैं अपना नंबर नहीं शेयर करूँगा। बंदे लोग फोन कर करके एकदम क्या ना, परेशान तो नहीं करते हैं, वो जानना चाहते हैं। बहुत सी बातें एजेंट नहीं बताती है, लेकिन बहुत से लोगों को ये भी कंप्लेन होता है कि कामरान भाई आप मुझे जवाब नहीं दे रहे। मेरे दोस्त, मेरे अहबाब, मेरे प्यारों, कैसे जवाब दूंगा मैं? जब फ्री रहूंगा तभी ना आपको जवाब दूंगा, मैं जब फ्री रहूंगा तभी ना आपको जवाब दूंगा। अभी एक बंदे डायरेक्ट कॉल कर रहे, मैसेज भी नहीं कर रहे।
तो जो भी मैसेज करे मुझे अपना नाम बता दे, अपना सिटी बता दे। हाय हेलो मत करे, कोई मसला नहीं है, अपना नाम अपना सिटी बता दे तो मैं समझ जाऊंगा। ठीक है, तो वैकेंसी बे इंतहा पड़ी हुई, लुलू का भी वैकेंसी है लेकिन मैं इसके बारे में नहीं बताऊंगा, इसलिए अगर इसमें सिलेक्शन होने के बाद बैकआउट होते हैं तो इसमें कुछ आपको पैसा देना पड़ेगा। ये मैंने सुन रखा है, जो कोलकाता में जो इंटरव्यू करवा रहे हैं उन, ठीक है, उनके उन्होंने मुझे बताया, तो मैं लुलू के बारे में बताऊंगा नहीं। मुझे जहां इजी सिलेक्शन लगता है वहीं के बारे में मैं आपको बताता हूँ। ये मैंने जो अभी बताया 7 और 8 अप्रैल को इसका इंटरव्यू चलेगा, ठीक है। और बहुत सारे ऐसे वैकेंसी हैं जो पड़ी हुई है हेल्पर कैटेगरी की, आप कुछ नहीं जानते ना, 2 साल आपको काम करना पड़ेगा कम पैसे में। यकीन मान, आप हेल्पर हैं, आपको सबसे पहले कम पैसे में आकर काम करना पड़ेगा। काम अगर सीख जाएंगे, अच्छी हो जाएगी आपकी, तो फिर आप एग्जिट जाएंगे, फिर आएंगे तो आपको ज़्यादा पैसा मिल सकता है। ऐसे ही होता है, ऐसे ही होता है। एक अमजद नाम का बंदा था, आज से 5 साल पहले वो सऊदी अरब में आया था नादी फार्मेसी में। वो भी आरी मशीन का काम करता था जो मैं काम करता था, सिलाई वगैरह जो की मशीन जो होती है। तो आज से 5 साल पहले उन्होंने आया था नादी फार्मेसी में, रिटर्न किया। अभी वो दुबई में फिर 1100 में गया हुआ है। बंदी के पास अच्छी इंग्लिश है, अच्छी पढ़े लिखे बंदे हैं, अरबिक जानती, क्वालिफिकेशन अच्छा है। तो हर किसी का हर जगह सिलेक्शन नहीं होता है दोस्तों। अगर आपको अच्छी सैलरी चाहिए तो आप ट्राई करते रहें, अपने आप को इम्प्रूव करें और तैयार करें, तभी आपका कुछ हो सकता है। वरना आप मुझे रूम पे बैठे बैठे ऐसी वीडियो बनाकर दीजिएगा तो मैं उस वीडियो को आगे नहीं शेयर करूंगा। मैं कोई बड़ी बातें नहीं कर रहा हूँ, जो भाई ने मुझे ऐसा भेजा था मैं उनके लिए बता रहा हूँ कि आप जाएं ऑफिस, आप ट्राई करें, तभी आपका कुछ हो सकता है। और बात रही यूपी वालों के लिए, तो आपको मैं टेलीग्राम पे टाइम, देखिए टाइम निकालना पड़ता है मुझे, मैं टाइम निकाल कर पूरे कन्फर्म कर उस बंदे का नंबर शेयर कर दूंगा, आप लोग कॉन्टेक्ट कर सकते हैं टेलीग्राम से उनके पास, ठीक है। और कोलकाता वाले जाएं, मेरे मामा से मिलें, बैठें, समझें, उसके बाद आप ट्राई कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में इतने ही दोस्तों। बहुत सारे वैकेंसी मौजूद हैं जो आप मुझे टेलीग्राम पोस्ट में देख लेंगे, वहाँ पर जाकर ज्वाइन हो जाएं, ज्वाइन कर लें, और व्हाट्सएप नंबर सेव कर लें, वहाँ पर मैं स्टेटस में लगाता हूँ। तो अपने भाई को प्यार बनाए रखें अपने भाई पे, और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। और जो भी बातें पूछनी हो कमेंट बॉक्स में पूछ सकती है तो पूछिए, वरना मैसेज करना है तो मैसेज भी करिए, लेकिन इंतज़ार करिए। मैं कब रिप्लाई दूंगा मुझे खुद पता नहीं है, क्योंकि बेइंतहा मैसेज पड़ी रहती है। तो जब मुझे टाइम मिलेगा मैं आपको रिप्लाई दे दूंगा इंशाल्लाह। कोई शिकवा गिला हो तो उसके लिए माफ़ करिएगा।